तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था कोई भी हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले प्लॉट की कंडीशन देखनी पड़ती, प्लॉट की हमारी कंडीशन कैसी है। अगर अंडुलेशन है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन उग गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइट क्लीनिंग करते हैं और अपने प्लॉट को लेवल में लाते हैं। ये तो हमने पिछली वीडियो में जाना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके बेसिस पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बेटर रहेगा आपके हाउस कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। अगर आपका भी सपना है कि 20-25 लाख में सबसे अच्छा घर आपके लिए बन जाए और पेमेंट में किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो, तो मैं आज आपको तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट बताने वाला हूँ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और आप अपने यूसेज के हिसाब से आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी भी सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में मतभेद का सबसे बड़ा कारण रहता है पेमेंट का। तो आपको पेमेंट किस तरीके से करना है ये आपका डिपेंड करेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का किया है, मतलब कि आपने ठेकेदार से किस तरीके से बात की हुई है। आज मैं आपको तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बताने वाला हूँ। आप घर कंस्ट्रक्शन तीन तरीके से करवा सकते हैं। एक होता है हमारा लेबर डेली बेसिस, एक होता है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है हमारा फुल वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इस तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि आपका मान के चलिए 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उस पर आप 1200 स्क्वायर फीट का घर बनवा रहे हैं, तो इसमें आप ठेकेदार से ये कह सकते हैं कि भाई आप लेबर प्रोवाइड करिए और आप खुद एज अ हाउस ओनर आप मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, ठेकेदार आपको लेबर्स प्रोवाइड करेगा जो आपका घर बनवाएगा। इसमें साथ ही साथ दो कंडीशंस रहती है, एक कि आपने एक इंजीनियर हायर किया है, एक आपने इंजीनियर हायर नहीं किया है। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है। इसमें आपको फ़ायदे ये होते हैं, इसमें आपको लेबर हैंडल करने का हेडेक नहीं रहता, आपको हाउस कंस्ट्रक्शन की एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि यहाँ पे कैसे काम करवाना है, लेबर से कितना काम करवाना है दिन में, ये सारी एक्सपर्टीज़ आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे रखी है जो ये सारा काम आपके लिए करके देगा। इसमें आपको एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है कि अगर आपने इंजीनियर हायर नहीं किया है तो भी आपको कॉन्ट्रैक्टर आपको बताता रहेगा कि आपको कौन सा मटेरियल कब गिराना है। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट लॉट में 50 बैग सीमेंट्स गिरवा दिए, बट कब खत्म होने वाला है, कब उसकी नीड आने वाली है, ये आपको कॉन्ट्रैक्टर टाइम टू टाइम बताता रहेगा। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं, अगर आपने स्लैब रेट पर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो इसकी कॉस्टिंग आपकी लगभग 200 से 300 रुपए के बीच आएगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां पे रहते हैं। देश के हर एक एरिया में अलग अलग कोने में इसका रेट डिफर कर सकता है आपके लोकल एरिया के मुताबिक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लेबर डेली बेसिस के बारे में। लेबर डेली बेसिस में कॉन्ट्रैक्टर का रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये रहता है कि लेबर भी आप लेकर आने वाले हैं, लेबर को मैनेज भी आप करेंगे, लेबर का से काम भी आप करवाएंगे और लेबर को पेमेंट भी आप करेंगे। ये अगर देखा जाए, आपको अगर एक्सपर्टीज़ है हाउस कंस्ट्रक्शन करवाने की, आपको टेक्निकल नॉलेज है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे भी आप इसमें ही बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि कोई भी हाउस कंस्ट्रक्शन में अगर आप ठेकेदार को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना भी प्रॉफिट देखेगा। अगर आपका लेबर कॉस्ट 2 लाख रुपये आ रहा है तो मोटा मोटा ये पकड़ कर चलिए कि लेबर का कॉस्टिंग 1,40,000 ही आ रहा है, 60,000 रुपीज़ तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है। कोई भी इंसान अगर वर्क करेगा तो अपना भी प्रॉफिट निकालेगा, बट लेबर डेली बेसिस में आप सारा काम लेबर से अपने बेसिस पे करवा सकते हैं, जिससे ये वाला जो मुनाफा है आप बचा सकते हैं। बट इसमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं कि आपको सबसे पहला टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कैसा काम होता है, कैसा काम हमें करवाना है और हाउस कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इसका नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर और एक हाउस ओनर के बीच में यही डिफरेंस रहती है कि उसको लेबर मैनेज करना आता है, साथ ही साथ में उसको ये भी पता रहता है कि हमें कंस्ट्रक्शन कैसे करनी, कहीं ना कहीं अगर टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ में लेबर फंसते हैं तो वहाँ पे आपका ठेकेदार काम आता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। बट अगर आप अपना घर खुद बनवा रहे हैं और उसमें आपने किसी गड़बड़ी कर दी तो आप किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे, आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। वहीं लेबर कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस कंडीशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि हर लेबर हर काम नहीं कर सकता, अगर किसी की एक्सपर्टीज़ ब्रिक वर्क में है, दीवार बनाने में है, तो हो सकता है किसी लेबर की एक्सपर्टीज़ आपकी प्लास्टरिंग में हो, ब्रिक वर्क वाले की अगर प्लास्टरिंग में उसका हाथ थोड़ा धीमा हो सकता है। साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट जो सबसे बड़ा हर्डल आता है, हर एक शहर में जैसे एक लेबर चौक होता है जहाँ पे सारे लेबर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आपको डेली बेसिस पे लेबर उठा कर लाने पड़ेंगे, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि लेबर
आज आए कल ना आए, परसों आए नर्सों ना आए, ऐसा कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि एक ठेकेदार एट अ टाइम 5 से 6 घर बनवा रहा होता है, वो मैनेज कर लेता है लेबर की कंडीशन और वर्क ऑर्डर को। ये एक्सपर्टीज आपको नहीं होती क्योंकि आप फर्स्ट टाइम घर बनवा रहे हैं। इवन दो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ठेकेदार के साथ घर बनवाने में 2 लाख का खर्चा आ रहा है, तो वहीं हो सकता है इसमें आपका 1.5 लाख है, बट ये भी हो सकता है कि 1.5 लाख से सीधा 3 लाख का खर्चा भी हो जाए। क्योंकि एक ठेकेदार को पता रहता है कि एक लेबर एक दिन में कितना काम करेगा, बट आप अगर पूरा दिन खड़े रह के भी लेबर से काम करवाएंगे तो आपको नहीं पता वो एक दिन में कितना काम करेगा। हो सकता है वो 50% कैपेसिटी पे ही वर्क करे, बट आपको तो ये दिखेगा कि सारा दिन वर्क कर रहा है, ऐसा वर्क नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपकी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है तो ये वाले कॉन्टैक्ट से तो बिल्कुल बचें। अगर आपको हमारा वीडियो अभी तक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, बट हमें इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फुल वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये अब क्या होता है, ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, बट लेबर कॉन्ट्रैक्ट में जहां आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, वहीं यहां पे फुल वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपने पूरा वर्क कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। मतलब कि मटेरियल गिराना, मटेरियल प्रोक्योर करना, उसका भी काम आपने ठेकेदार को ही दे दिया है। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात ये करूं तो अगर आप एक काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में रहते हैं, अगर आपका ऑफिस रहता है, आपका अगर बिजनेस है, आप साइट पर डेली नहीं आ सकते, आप ये मैनेज नहीं कर सकते कि कौन सा मटेरियल कब गिराना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि मटेरियल कब गिरेगा, ये सारा हेडेक कॉन्ट्रैक्टर ही मैनेज करेगा। बट इसमें जो हमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आपने एक ट्रस्टवर्दी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं रखा है, तो वो हो सकता है कि सब पार या बहुत बेकार क्वालिटी का मटेरियल भी यूज़ करे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पीछे वाली कंस्ट्रक्शन में ब्रिक वॉल खड़ी करनी है और उसका मुझे मसाला मिक्स बनाना है, उसमें अगर 1.5 बैग का सीमेंट लग रहा है, तो हो सकता है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वहाँ पे 1 बैग सीमेंट ही यूज़ करे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स इसमें आते रहते हैं। फुल वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मैं आपको तभी सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास एक ट्रस्टवर्दी कॉन्ट्रैक्टर है और अगर आप उसे पर्सनली जानते हैं और आपको पता है कि वो कितना मटेरियल किस प्रोपोर्शंस में यूज़ करने वाला है। अगर आपके पास एक ट्रस्टवर्दी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो हो सकता है कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन का मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा। हम ये जो सीरीज़ में आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ बना रहे हैं, इस सीरीज़ का नाम है मेक योर हाउस योर सेल्फ। ये जो नया सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है मेक योर हाउस योर सेल्फ, इसका मेन एजेंडा यही है कि आप जैसे हाउस ओनर जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उन्हें एम्पावर करना ताकि उन्हें भी नॉलेज रहे और अपना घर एक प्रोफेशनल तरीके से वो बनवा सके। अगर आपको ये सीरीज़ में वीडियो पसंद आ रहे हो और आप ऐसे ही वीडियोज़ और चाहते तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तीनों टॉपिक को आपके लिए एक बार समराइज्ड कर देता हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्ट आप तभी चूज़ करिए जब आप मटेरियल प्रोक्योर करने का, साथ ही साथ में मटेरियल कब टाइमली गिराना है, साथ ही साथ आप बीच में आकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने साइट पे। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते और आपके पास बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, तो ही आप फुल वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जाइए। फुल वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपको ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि आप एक इंजीनियर रख सकते हैं जो आपके बिहाफ में आपके घर का कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लेबर डेली बेसिस पे जाएं। आप लेबर डेली बेसिस पे तभी जाइएगा जब आपको टेक्निकल नॉलेज हो, आपके हाउस कंस्ट्रक्शन का, सिविल कंस्ट्रक्शन का टेक्निकल नॉलेज हो, साथ ही साथ आपके पास अगर बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है जो आप अपने हाउस कंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं, तभी आप लेबर डेली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट में जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पेमेंट कब कब और कितना कितना करना है, ताकि आप ज़्यादा पेमेंट ना करें, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई भी डिस्प्यूट या मतभेद होता है तो आपका पैसा नहीं फंसना चाहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए और इस वीडियो को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करिए। दिस साइड गौरव साहू, थैंक यू सो मच।